अब आपकी सेक्स समस्या हो जाएगी छूमंतर। अगर आपको बचपन की गलतियों के कारण साथी के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, शुगर, शराब और बढ़ती उम्र के कारण कमजोरी है, अगर आपके जीवन साथी की संतुष्टि ना हुई तो आपका दिन रात की कमाई का क्या फायदा, तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए आ गए हैं विश्व विख्यात सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर SD शर्मा। डॉक्टर शर्मा एक ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो सेक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने की पूरी गारंटी देते हैं। जालंधर बस स्टैंड के सामने पंजाब रोडवेज डिपो नंबर 1 के पास शर्मा कॉम्प्लेक्स, जहां सिर्फ बेहतरीन कीमती देसी नुस्खों से देसी दवाइयां तैयार की जाती हैं। तो अभी कॉल करें 9855796339। दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। फरीदाबाद के थाना सूरजकुंड के अंतर्गत आने वाले ग्रीनफील्ड चौकी के तहत बुढ़िया नाले में मिट्टी खोते हुए पति पत्नी की मिट्टी ढहने से दबकर मौत हो गई। दरअसल ये दंपति इलाके की झुग्गियों में रहते थे, जो आज अपनी झुग्गी के लिए मिट्टी खरीदने आए थे, लेकिन जैसे ही ये दंपति मिट्टी खोद रहा था उसी समय अचानक मिट्टी इन पर गिर गई और दबने से दोनों की मौत हो गई। इस दंपति के 4 बच्चे बताए जा रहे हैं जो घटना के समय घर पर थे। पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया है। ये हमारे पास पुलिस लाए थे बुढ़ियानाला वहाँ से, तो एक्चुअली ये हिस्ट्री ऑफ वो बता रहे कि किसी दबने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पे जो आए थे वो ब्रॉड डेड कंडीशन में आए थे, मैंने पुलिस इन्फॉर्मेशन करके इनको मोर्चरी में शिफ्ट किया ताकि इसका पोस्टमार्टम हो सके। ये हादसा ग्रीन फील्ड चौकी के इलाके में हुआ है, जो ग्रीन फील्ड चौकी के इलाके में से बुढ़ियानाला निकलता हुआ है, जो बुढ़ियानाले में ही ये रहते हैं। वहाँ पर पानी तो है नहीं, बुढ़ियानाले में अंदर बिल्कुल सूखा पड़ा है और वहीं पे इनकी झुग्गियाँ बनी हुई है, और झुग्गियों के बराबर में से ये मिट्टी निकाल रहे थे मियाँ बीबी। जो आदमी है उसका नाम तो भभूति और इसकी जो मैसेज थी किरण नाम है उसका, वहाँ मिट्टी निकाल रहे थे तो वहाँ से मिट्टी एकदम से टूट कर इनके ऊपर आ पड़ी, इनके ऊपर आ पड़ी। हाँ, और ये दबने से मौत हुई है। बॉडी है जो मोर्चरी में रखवा दी है और जैसे इनके वारसान आ जाएंगे पोस्टमार्टम कराया जाएगा इनका। कुरुक्षेत्र से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा TV।